नहीं पर हम दोनों सेम ही लग रहे हैं, तेरा भी शर्ट का कलर मेरा भी शर्ट का कलर सेम लग रहा है। सो गाइस मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और उसी होटल में हम रुके हैं जिस होटल में हम एक साल पहले रुके थे। सामने वहां से वाटरफॉल मतलब नदी बह के जा रहा है, यहां पे ये नजारा, वहां पे वो नजारा जहां पे विनायक भाई ने ड्रोन शॉट लिया था। चेहरा मेरा थोड़ा सा ऑयली दिख रहा होगा, मैंने क्रीम लगाया यहाँ पे कि चेहरा फटे ना। चलते हैं नीचे और सबसे पहला लोकेशन कहाँ जाएंगे, ये सब जितने कपड़े सुखाए सब यहाँ पे कहाँ जाएंगे हम लोग पे जा रहे टेम्पल जाएंगे जो यहाँ का सबसे फेमस टेम्पल है। आ गए नीचे। पिछले साल यहाँ पे कम 5 बाइक खड़ी थी यार, जहाँ पे इकलौती बेबी टाइगर नहीं खड़ी है और इसकी हालत जो एकदम खराब है। लेकिन पहले हम लोकेशन घूम लेंगे फिर हालत ठीक करेंगे। और यहाँ पे इस बार एप्पल जो काफी छोटे यार, वरना हम तोड़ के खा लेते वहाँ पे। एप्पल बोल रहा हूँ मैं, मैंने आपको एप्पल दिखाया ओके। सो एप्पल के पीछे फोटोशूट चालू है, मुझे नहीं पता था। आई विल ट्राई, रुक जा भैया रुक जा। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि हमने गाड़ी को इतना ऊपर चढ़ाया, पूरा ओवरलोड के साथ गाड़ी इस चढ़ान पे चढ़ गई। गाड़ी दिख रहा है ओवरलोड पे, तो क्योंकि यहाँ पे ग्रिप मिला, ग्रिप मिला। आहा क्या बात है। अरे भाई नाश्ता वास्ता कुछ कर ले क्या पहले? चलो पानी पूरी खाएंगे। मैं सोचा स्टार्ट हो जाएगा बट स्टार्ट नहीं हुआ। सामने जो देख रहे हो 1 किलोमीटर हम नीचे उतरे और पहुंच गए मेन रोड पे। यहाँ से सीधा जाएंगे तो मनाली की, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो दिल्ली पंजाब हरियाणा जहाँ चाहे वहाँ पहुंच सकते हैं हम। सो पहले हम लोग घूम लेते हैं, गाड़ी बाद में वॉशिंग करा लेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ये आगे मेन रोड पे। सो ये शूटिंग वाली है, कल ही शूटिंग में था, देख यही शूटिंग में था कल गाड़ी। हाँ रोड जाता है रोहतांग पास और ये रोड जाता है मॉल रोड, ओल्ड मनाली। मनाली अब गाड़ी चलेगी, चढ़ जाएगा यार, क्यों नहीं जाएगा यार, इसको क्या कम समझा है क्या? सामने हम पेट्रोल भराएंगे फिर यहाँ से आगे जाएंगे। इस ट्रिप में सबसे सस्ता पेट्रोल जो है मुझे मनाली में मिला 97.50 पेट्रोल, मतलब 50 रुपये, मतलब 100 से नीचे पेट्रोल है यहाँ पे 97। दिल खुश हो गया ना बहुत ज़्यादा, भर के लेके जाए, पहने से पेट्रोल भर के लेके जाए। सबसे फेमस टेम्पल जा रहे जो मनाली में है और ये सब क्राउड भी वहीं से आ रहा है और ये भीड़ भी वहीं जा रहा है। ये रहा मनाली के कुछ फेमस लोकेशन। ओहो चलो, खाली मार्केट साइड में थोड़ा भीड़ था, अभी यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे जो है थोड़ा भीड़ बहुत है बिकॉज सब रास्ते छोटे, बीच बीच में पेड़ है आजू बाजू, तो वहाँ से एक ही गाड़ी जा सकता है, तो एक एक करके जा रहे हैं। किसका तो क्लच प्लेट जल रहा है बहुत गंदा, उसका स्मेल आ रहा है, किसी गाड़ी का क्लच प्लेट जल रहा है। नहीं 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 भाई, अपने गाड़ी का नहीं है। यहाँ से हम अपनी बेबी टाइगर को लेके आए और यहाँ से ऊपर लेके नहीं गए, इस पार्किंग में आए जहाँ हम अपनी बाइक को पार्क किया। भाई टेम्पल का रास्ता उधर से, चल क्या कहे यार, पार्किंग का जो पैसा है वो 100 रुपये, चाहे कार लेके आओ चाहे ट्रक लेके आओ या बस लेके आओ या बाइक लेके आओ, साइकिल लेके आओ, साइकिल तो हूँ नहीं लेके आ पाओगे, बहुत हाई है ये तो। 100 रुपये लिया उसने पार्किंग के, मैं बस सुन के चौकन्ना रह गया, भाई 100 रुपये ले लिया आपने। ये सभी गाड़ी ऊपर आ रही है, सभी गाड़ी का क्लच प्लेट जल रहा है, स्मेल आ रहा है, मजा आ रहा है। यहाँ भी पार्किंग है यार, अंदर यहाँ पार्किंग कर सकते थे, ये शायद से फ्री था पार्किंग। हाँ बस म्यूजिक सुनो यार, ये म्यूजिक सुन के ना भाई सीधा दिमाग में राजस्थान आ जाता है, सीधा राजस्थान आ जाता है। और एग्जैक्ट हम टेंपल के बाहर आ गए, ये हिमाचल नेशनल पार्क है जो कि बहुत बड़ा है। ओहो फोटोशूट भी चालू वहाँ पे, वो देख प्री वेडिंग चालू भैया, हम भी एक बार लेके आएंगे किसी ना किसी को प्री वेडिंग कम से कम पैसे में। तो ये रहा फेमस टेंपल आपके सामने मनाली का, जहाँ पे टूरिस्ट भर भर के आ रहे। और ऊपर चलते, ऊपर जाके देखते हैं टेंपल, लोग फोटोशूट भी कर रहे हैं यहाँ पे हंडिम्बा टेंपल। और मैंने इसको ध्यान से देखा तो ये पूरा टेंपल लकड़ी से बना हुआ है, मतलब पूरा का पूरा लकड़ी से खड़ा है और वहाँ से लाइन है अंदर दर्शन करने का। सो बहुत शानदार दिख रहा है और लोग यहाँ पे ऊपर बहुत, देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे और ऊपर भी जा रहे जो पार्क है पूरा घूमने के लिए। और हम टेंपल के सामने एग्जैक्ट बैठे, वाह अंकल देख कितने मस्त टेंपल के सामने बैठ गए,
चल भाई तेरा फटक से फोटो शूट करते और यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से हम जाएंगे अटल टनल, फिर उसके ऊपर जाएंगे रोहतांग पास और देखेंगे। ₹10 सीधा, अब 50 भी मांग सकते थे। अगर पार्किंग वाला ₹20 लेता तो मैं तुमको 10 दे देता। अभी हम आ गए टेंपल के पीछे, बहुत ही प्यारा बिरोल शूट किया जो आपने देखा। और यहाँ पे थोड़ा सा हो गया लफड़ा, ये जो लोग बैग लिए हैं ना, ये लोग कुछ तो नशीली चीज़ें बेचते हैं जिससे इनको मना कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं बेचे। उसका कुछ तो नाम है पता नहीं, मत वहाँ ऐसा कुछ तो बेचते हैं ये लोग, तो वही एंटी डाट रही है इनको यहाँ पे। और ये है टेंपल और ये है पार्क। एंट्री रुपीज़ 10 है यहाँ पे। क्या पार्किंग का 100 रुपया दे सकते हो भाई, 10 रुपया देने में क्या क्या करना, अंदर फोटो लेना चल के। चल दुकान भी दिख रहा है, बार देखिए यार एग्जैक्ट टेम्पल के पीछे ये पार्क है। और ये खरगोश लेके भी फोटो क्लिक करते हैं यहाँ पे, उसका कुछ तो है चार्जेस। और ये बहुत बढ़िया पार्क, एकदम नीट एंड क्लीन, सब लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे। और सबसे बेस्ट ऑफ जो पेड़ है, एकदम सीधे स्ट्रेट और बड़े बड़े पेड़ देखो। एग्जैक्ट टेम्पल के ऊपर हम आए, मंसला के 100 मीटर के दूरी पर होगा। और यहाँ पर भेल, पानीपुरी, बर्गर सब ट्राई किया वहाँ पे हमारे बाकी फोटोग्राफर। सोच रहे यहाँ पे क्या भाई, नेटवर्क काम कर रहा तेरा यहाँ पे। अब हम यहाँ से निकलेंगे अटल टनल और वहाँ से फिर रोहतांग पास होते हुए वापस आएंगे मनाली। हो गया भेल, बहुत बढ़िया। 2 बजने आ चुके हैं और क्राउड यहाँ पे बहुत सारा है। कुछ तो लोकल चेरी हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे चेरी ना ना पान थूकता रहेगा। यहाँ से चल, यहाँ से चल, स्वीट खिलाएंगे मिट्टा। अरे नहीं यार, कहाँ थूकूंगा यार, नहीं नहीं नहीं। यहाँ पे चेरी लिया, चेरी खा रहे। और पीछे ना यार आपको इधर ना जो जिनको भगा रहे थे वो ना आपको यहाँ पे क्या केसर बेच रहे थे, पता नहीं केसर वो छुप छुप क्यों बेच रहे। मतलब जैसे सर केसर लोगे, केसर लोगे, क्या बढ़िया यार, जैसे कोई नशीली चीज बेच रहा है। बस क्या ड्राइवर है, मस्त, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टच हो जाएगा, मैं ऐसे भी खड़ा करूँगा तो टच होएगा। नहीं बैठ बैठ बैठ, निकल गाड़ी निकल जाएगी, यहाँ से उतरना ही है। सो ये है पार्किंग भाई। हाँ स्लिप लेगा, बस थोड़ी सी और ट्रैफिक है, मैं आगे देख ही रहा हूँ। अबे ये मारुति सुजुकी का जिप्सी है, आर्मी के पास यही गाड़ी है, आर्मी के पास थार वार नहीं है, आर्मी लोग यही चलाते हैं। सामने का मौसम देखो, रोहतांग पास बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और ये सब जो है ये भी पूरा रेंटल बाइक यहाँ पे मिलता है मेन रोड पे ही। देखिए यहाँ पे दिख रहा है रेंटल बाइक और वो ठंडी से बचने के लिए सूट। भाई हम ये ठंडी सह लेंगे। हाँ यहाँ पे क्या हो गया है मनाली, ओहो गाड़ी से गाड़ी टक्कर हो गई है। हाँ देख तो ऐसे रहा है जैसे आके खा जाएगा। हाँ ओहो मस्त मस्त एकदम। अब ये जो आप रोड देख रहे हो ये है ओल्ड रास्ता रोहतांग पास का, जहाँ से हम जा रहे हैं। ये ट्रक वाला साइड देगा क्या हमको? और यहाँ पे कुछ 1200 गाड़ी को ही परमिट रहता है। थैंक यू। अब हमें पता नहीं जाने देगा कि नहीं जाने देगा, पर जहाँ तक जाने देगा वहाँ तक जाएंगे और जाके रहेंगे और आपको दिखाएंगे रोहतांग पास ओल्ड रोड। फाइनली पहली बार मैं जा रहा हूँ। देखो यार ये लग रहा है असली मनाली, पेड़ इतने हैं कि भाई रोशनी नहीं आ रही है। साथ से यहाँ पे वाटरफॉल जाने का रास्ता है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है। हाँ यही है, ओए ये देख वाटरफॉल, लेकिन पानी कम है, वो बर्फ पिघला नहीं है ना इसलिए पानी कम है थोड़ा। ये देख ओ हो और लोग यहाँ भी है। ये देखो दो वाटरफॉल है यार। देखो ऊपर जो पेट्रोल जा रहा है शायद से लद्दाख की जा रहा होगा, तो यहाँ पे हमें रोक लिया गया, यहाँ से हम आगे नहीं जाने दिया। यहाँ से बाइक अलाउड नहीं है, मतलब रोहतांग पास बाइक नहीं लेके जा सकते, बाकी आप कौन सी भी गाड़ी लेके जा सकते हो रोहतांग पास यहाँ से, पुराना वाला रास्ता। मैं सोचा कि भाई सब कुछ पूरा हो गया है तो एक बार रोहतांग पास भी आ जाते थे। जब रोहतांग पास आए तो आधा रास्ता चढ़ने के बाद हमें पता चला कि यहाँ से बाइक अलाउड नहीं है। अगर नीचे के साइन का बोर्ड भी होता ना यार कि बाइक नॉट अलाउड, तो हम वहीं से घूम जाते, लेकिन अच्छा है
जैसे जैसे ऊपर आ रहे थे वैसे वैसे एक्चुअल मनाली दिख रहा था, और बड़े बड़े पेड़ दिख रहे थे, एकदम नीट एंड क्लीन सब पूरा एरिया दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बनाया है इस गार्डन को। गार्डन वाला जो घास होता है ना वैसे घास थे यहाँ पे। निकल कैमरा निकल, दो तीन फोटो मारते चलते। यहाँ पे ये पार्किंग प्लेस है, यहाँ पे टेंट टेंट लगा सकते क्या यहाँ पे ना? यहाँ पे रात को आराम से स्टे कर सकते अगर यू नो रात में डायरेक्ट आया तो। पर गाड़ी तो लगा ही सकते, फ्री ऑफ पार्किंग मुझे लग रहा है। वो देखो हाँ पेड़ के नीचे, बहुत बढ़िया। हमारी गलतियों से आपको कुछ तो बता दिया कि भाई रोहतांग पास में एक लिमिट तक बाइक है और एक लिमिट तक बाइक नहीं है, मतलब रोहतांग पास बाइक लेके नहीं जा सकते। और ये हम आते आते हमको किसी ने बताया भी नहीं, इतना बड़ा ट्रक जा सकता है लेकिन बाइक नहीं जा सकता। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, जब ट्रक जा रहा है तो बाइक को भी जाने देना चाहिए। आगे लिखा रहेगा मनाली 1 किलोमीटर ना। हाँ रोहतांग पास जाने का प्लान के लिए, उसके वजह से हमारा पूरा 1.5 घंटा चला गया यार। मतलब हमको नहीं पता था कि वहाँ पे बाइक नहीं अलाउड होता, मतलब सिर्फ कार से जा सकते, तो कोई बात नहीं पता चल गया। और मज़ा भी आया, वो एरिया बहुत अच्छा था। मतलब जितना गाड़ी यहाँ पे दिख रहा है ना वहाँ पे सिर्फ उंगलियों पे गिन के गाड़ी जा रही थी, बहुत कम गाड़ी वहाँ पे जा रही थी। अब ऊपर जाएंगे टनल तक, टनल से घूम के आ जाएंगे वापस हम। टनल तो पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। ये रहा मेन रोड, तो जैसे हम आगे बढ़ रहे थे यहाँ पे मुझे पार्किंग स्पेस दिखा, तो आराम से वहाँ पे बाइक पार्क कर लिया और आलू पराठा और एक ऑमलेट बोल दिया खाने के लिए। तो खाएंगे फिर हम आगे जाएंगे, देखते आगे क्या करना है। तो कह सकता हूँ भाई सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। सुबह क्या खाए थे हम लोग कुछ याद है? नहीं नहीं खाली वो मंदिर के पास बर्गर खाए थे, वेज बर्गर बस। और इसके बाद फाइनली इस पराठे से अपना पेट तो 100% भर जाएगा, 100%। और एक ऑमलेट और पराठे के साथ यही है। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है टनल, टनल जाएंगे फिर वापस आएंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो हम कुछ प्लान करते कि ऊपर तक जाएंगे, वो गार्डन घूमेंगे, फिर उसके बाद हम वापस नीचे जाएंगे मार्केट में कुछ सामान लेंगे। और कल से हमारी जो राइड निकल जाएगी वो केदारनाथ की ओर वापस से। तो केदारनाथ कैसे जाएंगे आई डोंट नो, पर जाएंगे मजे करते हुए। इस बार केदारनाथ में ज्यादा टाइम रहेंगे। हाँ मैंने देखा विशाखा का ये वीडियो देखा, हाँ अंडी ने जैसा बांधा वैसे मैंने भी ट्राई किया। अब चलते अंडी को पेमेंट करते और आगे चलते। पार्क जो हमने कल दिखाया था वो पार्क घूम के आएंगे। और यहाँ पे बस अंडी से मैंने पूछा कि कौन सा लोकेशन देखने लगे, जो हमने टेम्पल देखा एक वो टेम्पल और मॉल रोड। और बाकी मनाली में आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते, पहाड़ों में मौज मस्ती कर सकते हो, अगर कपल हो तो बाइक पे घूम सकते हो। ये पकड़ो चलो। सो बस पार्क ऊपर ही है, तो जैसे हम यहाँ पे आए तो ये पार्किंग मुझे अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे रुक गया। हाँ और पराठा भी अच्छा था। ओहो ये देख, ये देख कैसे टर्न मार रहा है वो। ये लग रहा है मनाली, वो देखो वो पैराशूट के चल पता करते कितना है वो और ऊपर जाके आते फिर। हाँ इसमें ना इसमें और भी हाइट वाला भी रहता है जो एकदम ऊपर से लेके आते। सो ये यहाँ का गार्डन है जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। और यहाँ पे एक्टिविटीज़ वो केबल से ऊपर लेके जाते हैं और एक वो है। और ये जो मैंने सर पे बांधा है ये बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं ऐसे ही सर पे बांधूंगा, ये यहाँ के लेडीज लोग जो है ऐसे ही बांधते हैं वो। तो जैसे मैं दुकान पे खाना खाए वहाँ पे ही ये हमने बांधा। पैराशूट का पता करते कितना है पैराशूट का। सो देख रहे हो छोटे के लिए 500 रुपया और बड़े के लिए 1000 रुपया। तो ये फटाफट फोल्ड करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ पे फैला के और सीधा उड़ा के लेके आते हैं। अपने को ये नहीं करना, करेंगे तो ऊपर से जहाँ से पूरा मनाली दिखेगा वो वाला जबरदस्त है, करेंगे तो वो वाला करेंगे वरना नहीं। ये क्या है वहाँ से लेके आएगा बस खाली यही स्पेस दिखेगा। और एक है जो एकदम ऊपर से डायरेक्ट लेके आते हैं, मैंने देखा है। खाली नहीं जा रहा वो, ओपन है, ओपन में बैठ सकते हैं। पता करे कितना होगा तो खाली भी जा रहा है। ये ना ये पूरा बर्फ में भर जाता है, ये रोपवे स्काई सेंटर ऊपर कुछ तो है ऐसा ऐसा पैर से ना बर्फ में चलने वाला। ओ देखो बच्चों को अकेले उड़ा के लेके आ रहे, पीछे से एक आदमी कंट्रोल कर रहा है और एक आदमी आगे से खींच रहा है, क्या बात है। और ये लो नीचे, ये आ गया बच्चा नीचे एकदम सेफली, क्या बात है, बहुत जबरदस्त बढ़िया है यार। 500 रुपया देखो आगे एग्जैक्ट, एक पीछे देखो, पीछे एक बना रहा है वहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आंधी कैसे आ गया है और लाइट जा चुका है तो वो केबल सर्विस है वो बंद हो गया है। 700 रुपया
700 रुपया पर हेड है यहाँ पे। हाँ 700 रुपया। और ये देखिए सब लोग यहाँ पे एकदम ठंडी के मजे लेते हुए, बहुत ही शानदार। क्या बात है, हवा देख कितना तेज चल रहा है। इतने बड़े बड़े बाल वाले याक तो हमें लद्दाख में भी नहीं देखने मिले, झंस्कार में भी देखने नहीं मिले जो यहाँ पे है। घोड़ा बहुत शांत है यहाँ पे ना। एक बिजनेस बहुत सही है, मतलब यहाँ पे फोटोग्राफर्स ना कैमरा लेके घूमते हैं और वो चुपके चुपके फोटो निकालते, बाद में जाके दिखाते और फिर जैसे क्लाइंट को पसंद आता है फिर वो बोलते पे। तो वहाँ पे एक बंदा 70-200 क्लिक कर रहा है यार, एक 70-200 होता तो मजा आ जाता। वो देखो, चलो संदीप आ जा। हाँ हो जाएगा यहाँ पे। ले ले भाई, इसको बोलना एक ही मौका मिले, एक ही मौका मिलेगा कर लेना भाई। हाँ चलो चलो रुको, चलो 1 2 3 ये। हाँ कर कर कर, चल। हुआ क्या? चल वेलकम। मौसम देखिए कैसा हो गया है। ये संदीप को अटल टनल के बाहर फोटो लेना था, उसके लिए हम 30 किलोमीटर आए ऊपर। हालत बिगड़ गई है, 1 किलोमीटर अटल टनल। टनल में घुसने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है जब तक दिक्कत है। अंदर का मौसम थोड़ा तो अच्छा रहेगा। हाथों में बहुत दर्द हो रहा है यार, गलती कर दी। नीचे हम लोग फैसला कर रहे थे कि नहीं आएंगे, और अभी भी लोग देखो फोटो शूट कर रहे हैं। पूरा गायब हो चुका है लोकेशन, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हालत खराब हो गई, हाथ पूरा सुन्न हो गया यार। समझो बर्फ के पानी में हाथ डाला है, वो दर्द है। फाइनली बाहर पहुंचे हम एक तरफ, और देखिए एग्जैक्ट रोहतांग पास के नीचे से ये टनल आता है और बाहर आ गए हम। और यहाँ पे थोड़ी सी कम बारिश है, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं है, कम बारिश है। और ये यहाँ से जाता है नदी। अच्छा कि इस पार ज़्यादा अच्छा पार्किंग बनाया है, उस पर उतना पार्किंग नहीं है। ए भाई ना 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 ना, नहीं यार चटपटा है लेकिन हिम्मत नहीं है। यहाँ पे हम इस गाड़ी से चिपक गया भाई, स्टार्ट मत करना। और सामने अटल टनल में भी इस बार पहली बार आया हूँ, बहुत बढ़िया यार। लोग आ रहे यहाँ पे फोटो खिंचा रहे, जा रहे। ये जगह है देखने लायक जबरदस्त। यहाँ पे लग गई है हमको ठंडी, ठंडी फटे तो फटे भाई, यहाँ से फोटो ना ले बिना जाएंगे नहीं यहाँ से। चाय तो भाई, चाय मतलब मैं आपको बताऊँ, चाय इतना ठंडा है ना कि मैं हाथ डाल रहा हूँ, देखो कुछ नहीं हो रहा मुझे। चाय इतना ठंडा है, क्या बताएं अब। इतना पागलपंती भाई। हाँ निकाल निकाल, हाँ निकाल। सो बाहर इतना मौसम खराब है कि सभी बाइकर्स देखो टनल्स में ही रुके। ओहो रुक जाते भाई। तो टनल्स में रुकने का मौका मिलता नहीं किसी को। और देखो हम लोग टनल्स में रुके, यहाँ पे बेबी टाइगर और भी बाइकर, क्योंकि बाहर का जो मौसम है बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कुछ नहीं दिख रहा यार, एकदम कोहरा छाया हुआ है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये है बाहर का नज़ारा, मतलब सिर्फ काले बादल और बारिश। और अंदर इतने सारे बाइकर सब खड़े कि कब मौसम ठीक हो जाए और हम बाहर जाए। क्या वो आ जाओ, लाइन से सभी बाइक खड़ी है बाहर जाने के लिए, पता नहीं कब जाएंगे। हाथ का ग्लव्स होता तो भाई निकल जाता, हम लोग खाली हाथ में ग्लव्स नहीं है, हाथ में कुछ करना पड़ेगा। ये है मनाली का असली व्यू। मौसम ऐसे बदला जैसे किस्मत किसी का बदल जाता है।
हेलमेट का तो मैंने वाइजर नीचे किया तो मुझे बहुत कम ही दिखाई दे रहा है। गाड़ी का लाइट देख के मालूम पड़ रहा है कि हाँ भाई आगे गाड़ी ब्रेक मार रही है और टर्न ले रही है, और फिर पास आने पे एकदम दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ बाबा, ये क्या हाल हो गया है मनाली का। मनाली तूने काय केली, ये चांगला ना है मनाली। हमारा जो होटल है बस इसी रोड पे आगे जाएंगे तो आ जाएगा हमारा होटल। और इसके पहले यहाँ पे एक दुकान था, हमने इस दुकान को देखा, इसका बोर्ड कहाँ पे लगा, पहले मेरा बोर्ड पे ध्यान गया ठाकुर चिकन शॉप, और मेरा ध्यान गया इस फोटो पे, तो हमने यहाँ पे चिकन फ्राई करवाया है और दाल भी हो रहा है यहाँ पे। क्या बात है, दाल कुछ ज्यादा पक गया है। आज देखा जाए तो आज हमको मनाली में भाई खतरनाक मौसम मिल गया, ऐसा मौसम मिल गया कि हाथ मेरा सुन्न हो गया था। फाइनली हम जैसे रूम पहुंचे, रेनकोट देखो वहाँ पे पीछे वहाँ पे फेंका पड़ा है, कहाँ पे दिख रहा, पूरा रेनकोट फेंका पड़ा है, पीले पीले पानी। उसे स्ट्रीम में पानी बहुत कम पी, लेकिन पानी पीना पड़ेगा। तो नीचे हमारे कुछ नए दोस्त आए हैं गुजरात से, राजस्थान से, उनसे मिलने जा रहे हैं और ऊपर भी लेके आएंगे और उनके साथ देखेंगे क्या प्लान है आगे का। सो आज मेरा यहाँ पे घड़ी मिस हो गया, तो हम रात के 11 बजे यहाँ पे सबसे अंकल सबसे आखिरी कस्टमर आज हम ही होंगे आपके ना, कि हमारे बाद भी कोई आने वाला है, कोई नहीं आने वाला, क्या बात है। तो यहाँ पे देखिए प्लेट 1 2 3 4, और यहाँ मिले हमारे राजस्थान के भाई, नाम भाई संदीप, संदीप जयेश जयेश। सो ये राजस्थान से आए, आज इनका सेकेंड डे है। हाँ रिक्शा जा ऊपर भाई, यहाँ पे आने में कोई तकलीफ हुआ मतलब इस रोड पे? नहीं, आराम से अच्छे से आए, थोड़ी बारिश बारिश हुई थी तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, पर आपसे मिलके तो बहुत अच्छा हो गया, पूरा दिन बन गया। तो थैंक यू बुलेट भाई, बहुत बहुत हेल्प की हमारी और बहुत बहुत हमको सजेस्ट कर रहे हो आगे हमारी क्या प्लानिंग है वगैरह, क्या बात है, बहुत अच्छा है, थैंक यू। तो अभी हम यहाँ पे पेट पूजा करेंगे, फिर होटल में जाके बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे आगे प्लान का। भाई वेट मत कर, पटपट खा ले। सो जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम इस दुकान में लास्ट कस्टमर रहेंगे चार, लेकिन यहाँ पे मैं गलत हो गया, वहां पे देखिए हमारे हरियाणा के भाई, हमें ये थोड़ी देर पहले माल रोड में मिले थे, माल रोड नहीं, क्या बोलते हैं मॉल रोड। सो भाई कैसा लगा आपको मॉल रोड? बहुत बढ़िया। अकेले आए हो क्या? अच्छा, बहुत सारे दोस्तों, ये हमें माल रोड में मिले थे, साथ में माल रोड में मिले, साथ में हमने फोटो भी निकाला, बाद में देखा तो भाई एक ही होटल में हम आके खाना खा रहे, और ये हम सरप्राइज हो गए, अच्छा लगा। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, मतलब कि हमने मनाली में बहुत अच्छे से घूमा, कुछ अनप्लान हो गया हमारा, जो हमने प्लान किया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन मजा बहुत आया। टेम्पल देखा, रोहतांग पास आधे से देखा, टनल बारिश में पार किया, हाथ पूरे सुन्न हो गए थे। अब इसके बाद जो हम निकलने वाले हैं केदारनाथ के लिए, वो अनबिलीवेबल राइड है हमारा, और केदारनाथ दूसरी बार, तो इस बार पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हुए, आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए। इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में गाइस, बाय बाय।